आपकी आवाज थोड़ी सी, आवाज थोड़ी सी इको कर रही है आपकी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। फिर से बोलिए आप। हाँ सर, हमने भी फोन लिखा सिटी में जो है 1000 स्क्वायर फीट दे रखा है और सर हमारा पूरा पैसा जमा है सर। आपने ओटीएस का एक स्कीम चलाया था कि जिनका पैसा बाकी है आधा जमा करेंगे आधा माफ हो जाएगा, तो हमने लोगों से कर्ज लेकर जो सर पूरा जमा कर दिया है। नाइन मिलियन में लिया था और इसमें भी दिया हुआ है तो 1 लाख। मतलब ये है कि आपका पैसा जमा है कंपनी में और भी आपकी रसीद नहीं, यही है ना आपका? जी हम डायरेक्ट जमा कर देते हैं सर, वही आप इसमें जाकर यही ना। हाँ आपने पैसा जमा कर दिया भी आपकी रसीद नहीं, यही ना आपका कहना? जी सर आपको रजिस्ट्री चाहिए, यही है ना आपका रजिस्ट्री कब्जा? जी जी। अच्छा आपको कंपनी की वर्तमान स्थिति पता है? हमारी स्थिति सर यही है कि जो है आप खुली है, आप जो है सर 8 मजदूर की आपने नहीं अभी काम रुका हुआ था पता है ना आपको? जी जी हाँ सर हम गए थे आप, तो आपसे पता आप बेफिक्र रहे हैं, बेफिक्र रहे हमने लगा भी दिया है और हमने आपको। अच्छा अब बाबू प्रसाद आप इन्होंने आज आपको बात कर रहे हैं? जी सर जी जी फतेहपुर वाले? जी 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 फतेहपुर वाले। अच्छा 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 हाँ तो आपसे तो मेरी बातचीत भी हो गई ना, आपकी तो शायद पोलिस्टार पे रजिस्ट्री है और शायद वैली रजिस्ट्री नहीं, यही ना आपका केस? जी पोलिस्टार पर वो सर पैसा सब जमा है पूरा, लेकिन अभी रजिस्ट्री दोनों में नहीं। आपके एक प्लॉट शायद रजिस्ट्री और एक रजिस्ट्री नहीं, यही ना आपका केस? शायद नहीं सर दोनों में रजिस्ट्री नहीं है, पैसा सब जमा है। अच्छा दोनों में रजिस्ट्री नहीं है आपकी? जी नहीं पैसा सब जमा है मेरे पास रसीद। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका केस मेरे उसमें है क्योंकि अभी आपने बताया ना कि आप बाजार वाला पूछे आपने किसने दिख शाइन वैली, आप क्या पुलिस कर आपका, आप बेफिक्र रहिए, हम उम्मीद करते हैं कि 27 जुलाई के बाद ये रास्ता भी हम लेकर के आएंगे जिसमें आपकी रजिस्ट्री कराने का हो और आपकी रजिस्ट्री जैसे भी जिस तरह से भी बनेगा संभवतः आपकी रजिस्ट्री पहले कराने प्रयास क्रम में उसे कराया जाएगा, बेफिक्र रहिए बाबू जी। थैंक यू वेरी मच, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने वो पहल किया, तो पहल अगर सब लोग कर लें तो कंपनी का दरवाजा खुलने में मिनट नहीं लगेगा। अगर जिन लोगों को बरगला कर गलत तरीके से FIR करा दी गई, अगर आप लोग लिख करके ये दे देते हैं कि आप अपनी FIR वापस ले रहे हैं और आप स्वतंत्रता कर रहे हैं, तो दुनिया कोई ताकत नहीं आपकी लाइबिलिटी और सबकी लाइबिलिटी। ये जो लाइबिलिटियां आज हमारे सर पे चढ़ी है वो सारी सारी लाइबिलिटीज ने चढ़ी सर पर हमारे, क्यों? क्योंकि लोगों ने गलत तरीके से जो FIR करा दी। और अच्छा उसमें क्या है, एक दो FIR तो चलता है, 300, 400, 450 जो भी FIR में, उन FIR में मैक्सिमम लोगों को पता तक नहीं है कि उन्होंने FIR क्यों कराई, उन्हें बताया गया कि आप FIR करी तो पैसा मिलेगा। तो चलिए आपका बहुत धन्यवाद बाबू प्रसाद जी, आप टेंशन ना ले इस बात को लेकर के जो है कि आपकी रजिस्ट्री का जो होगा, अब आपने इतना सहयोग किया तो हमारी कंपनी की कंपनी आपका सहयोग करेगी, ठीक है? हाँ सर जी सर, आपने जो है सब करा के रद्द करने के लिए और आपको बात बताया भी था सर, अब FIR किया था सर, हमने ना कोई वकील किया था ना मुकदमा किया था सर, बस केवल इसीलिए किया था कि आप जो भी करें तो उसकी जानकारी दी, अब एक भरोसा होता सर मुझे, पूरा भरोसा है आप जो है प्लान देंगे और पूरा रजिस्ट्री कराएंगे। मैं चलिए कोई बात नहीं बाबू जी, थैंक यू वेरी मच, मैं फिर से एक बार इस पूरे सभी लोगों के सामने आपको दिल से शुक्रिया कहता हूँ, आभार रखता हूँ कि आपने जिस तरह से कंपनी भरोसा करके अपनी FIR वापस ली है उसके लिए कंपनी हमेशा आपके आभार, ठीक है? चलिए मीट करता हूँ मैं आपको, थैंक यू। रोहित चौधरी पुलिस स्टाफ। हेलो सर नमस्कार, कैसे सर? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रोहित, आप लोग की दुआएं हैं, आप कैसे हैं? बस सर आशीर्वाद है आपका, तो बढ़िया है सर। सर मेरा पोल स्टार में सन 2016 में मैंने एक अपने मित्र के माध्यम से एक इंस्टॉलमेंट वाला पहले एक लिया था एक प्लॉट, उसके बाद मैंने अपने फैमिली मेम्बर का एक
उसके बाद मैंने अपने कई मित्रों के प्लॉट उसमें दिलाए, जो लगभग लगभग 2019 तक की पेमेंट हुई है। और फिर उसके बाद मैं तो फिर बाहर रहता था कतर में रहता था। 2018 में मैं गया आया था सर, फिर मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला कि क्यों ना तुम यहीं पे सेटअप अपना बना लो, साइंस सिटी में जुड़ जाओ और फिर अपना ये काम शुरू करो। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर मैंने सर साइंस सिटी में अपना मतलब विक्रांत ग्रुप के थ्रू मैंने उसमें अपना कराया। फिर मैंने लोगों को अपना आश्वासन देने के लिए मैंने फिर PIP आया था। फिर मैंने उसमें 3 प्लॉट करे, मैंने कस्टमर को बताने के लिए खुद का भी 1 प्लॉट लिया और 2 मैंने अन्य और दिलाए लोगों को मैंने दिलाए। फिर उसमें सारी पेमेंट होगी सबकी रंजित हो गई 18/1/2019 को हो गई। बाकी पिछले वाले ये वाले किसी को परेशान नहीं मिला फिलहाल, रजिस्ट्रेशन तो अभी फिलहाल उसी में था। काफ़ी मैंने उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मैं वापस कतर आ गया। अभी भी फिलहाल मैं कतर में ही हूँ सर, और काफ़ी टेंशन होने के बाद कोरोना में 2.5 साल इंडिया में फंसने के बाद वापस कतर आया हूँ अभी फिलहाल 6 महीने पहले। तो वही सर अभी लोगों को काफ़ी परेशान था भाई, जिनका जिनका मैंने पैसा लगवा दिया था, पहले मैंने दूसरे के उसमें लगवाया था, फिर बाद में मैंने अपने में लगवाया, उसके बाद से लोगों ने परेशान को आप जानते ही सर, वो तो सभी के साथ बिल्कुल आराम से सभी लोग परेशान करें, किसी को कोई चीज़ अगर हमने दिलाई और नहीं मिली तो स्वाभाविक से बात है परेशान करेंगे हमको। तो वही सर मैं आपका जो मसला है, मसले में आपने जो मुझे बताया है वो यही है कि आपने कुछ लोगों का आपने पैसा लगवाया है, PIP लगवाया है, उसके बाद सर मैंने खुद भी एसोसिएट बनकर काम करना शुरुआत की, मगर वही है ना जैसे ही शुरुआत की उसके बाद से आपके साथ ही जब कोई पूरा चक्रव्यूह रच दिया गया, आपको ही चक्रव्यूह में फंसा दिया गया बिल्कुल, फिर आगे कोई काम ही नहीं बन रहा, फिर बैक टू पवेलियन वापस मेरे को फिर यहीं आना पड़ा। नहीं तो मैंने तो बहुत अच्छा सोचा हुआ था कि मैं वो वहाँ पे मैं साइंस सिटी के जब मैं गोल स्टार वाले में जाता था वहाँ पे कई लोगों को देखता था। मैं एक बार लखनऊ में एक व्यक्ति से मिला था, मेन आपके हेड ऑफिस जब मैं गया था, हेड ऑफिस नहीं था शायद रजिस्ट्री में जहाँ से मुझे वो कलेक्ट करनी थी। मैंने आपसे चक्रव्यूह शब्द आपको कहाँ से मिला, चक्रव्यूह शब्द आपने क्यों लिया, ये शब्द आपको कहाँ से मिला चक्रव्यूह शब्द? क्योंकि सर जो आपके साथ घटनाएं हो रही हैं सब कुछ हो रहा है वो एक चक्रव्यूह तरीके से आपको फंसाया गया, क्योंकि लोगों ने हिसाब से आप सवाल करो उसका जवाब दे रहा है, बड़ा प्यारा मतलब टॉपिक पकड़ा है चक्रव्यूह का। जो कैसे गिराना है, कैसे उसको निस्तनाबूद करना है, महाभारत युद्धकांड का एक वर्णन है, अभिमन्यु को उलझा करके चांद द्वारा उसमें दरवाजा अभिमन्यु को, और फिर क्या है महाभारत आपने पढ़ी है सुनी है देखी है जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला के द्वारा जो है यदर्थ का व्रत वध होता है, किस प्रकार से जो है प्रतिज्ञा होती, तो जानते हैं इस चक्रव्यूह के उस समय आपसे जो मैंने बोला वो दौर था जब चक्रव्यूह की रचना की गई और जिसमें अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हुई। अब उन स्टोरी को पढ़ करके इन चक्रव्यूह में कोई भी अभिमन्यु न पहुंच सकेगा, और इस पूरे घटनाक्रम में अभिमन्यु होने पर मुझे गर्व है ना कि जयद्रथ। तो मैं आपसे इस शब्द पे आपकी बात सुन करके आपसे जवाब देना चाहूंगा, तकलीफों को रोने का वक्त चला गया सर, मैंने 2022-23 में देखिए आपको आपका रास्ता मिलना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ बैठ करके बड़ी बातें करें और काम ना करें ये पॉसिबल नहीं है। मैंने जब हिंदुस्तान में काम शुरू किया था तो मैं काम भी बड़े करता था बात भी बड़ी करता था, तो आज मैं सिर्फ बात नहीं बल्कि बड़े काम करने के लिए भी अपनी बात को यहाँ पर रखने के लिए आया। आप सभी लोगों का जो भी तकलीफ का समय था उस समय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है 9 जुलाई। 9 जुलाई का पहला उपक्रम था जो तक रुका हुआ था वो था कस्टमर का सपोर्ट। कस्टमर का सपोर्ट इससे पहले उन विरोधी ताकतों के साथ में था जो कस्टमर से खेल रहे थे, जो कस्टमर को बरगला रहे, जो कस्टमर से दुनिया भर के वादे करते थे कि FIR करो तो पैसा मिलेगा, केस करो तो पैसा मिलेगा, कंपनी भी भाग गई, यानी दुनिया भर का झूठ बता करके झूठ करते थे, ये चक्रव्यूह की रचना लोगों ने कर रखी थी। वो टाइम अब बीत गया है, अब हमारे सामने 2 से 3 स्टेजेस हैं, उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। पहला स्टेज है
हम अपनी जिस लाइबिलिटी को लीगली उतार सकते हैं, जैसे पोजीशन, पोजीशन के लिए हमें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पोजीशन के लिए तैयार हूँ, तो पोजीशन के लिए मुझे तैयार होने की आवश्यकता, यार वो जमीन आपकी है, रजिस्ट्री आपके नाम पर है, आप जब चाहे तब जाकर के उसके ऊपर अपना पोजीशन अपना कब्जा ले सकते हैं। आपको कंपनी के सहयोग चाहिए, कंपनी के वहां पर जो लोग होंगे वो आपको सहयोग जरूर देंगे। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले लोग डरा करके आप लोगों को दुनिया भर की स्टोरी बता करके आपके अंदर एक खौफ पैदा करके, हमारे एसोसिएट के अंदर खौफ पैदा करके भी दुकानें चला रहे। मैं आपको पोलिस्टार ही नहीं, कई जगह की बातें करूंगा, आप लोग को जानना जरूर। अब मेरी मीटिंग में आने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि मैं आपकी लाइब्रेटी उतारने के लिए आया हूँ, लाइब्रेटी उतर गई, लेकिन सच्चाई से अवगत कराना भी मेरा और इससे पहले जो कर रहे थे हम, उसमें लोग दृष्टि लगा के बैठे थे कहां से पैसा दिया जाए। अब जैसे हमने अपनी 5,000 से ऊपर ऐसे प्लॉट्स थे जिसे 2019, 20, 21, 22 में लोगों ने दिया पाचा कर दिया, 5,000 से ऊपर कस्टमर पूरा मिला करके हम ये कह सकते हैं कि उनका डेटा निकाला जाए। हमने लाइब्रेरी का नाम पूछा, प्लॉट दिया क्या, पैसा दिया क्या, कब्जा दिया, लेकिन आज 5,000 छोड़िए, 5 कस्टमर की भी हमारे लिए कोई वो नहीं आती है, कंपनी ने हमारी लाइब्रेरी उतार दी। वो इसलिए क्योंकि वो सारे लोग जिनकी लाइब्रेरी उतारी गई, उनकी लाइब्रेरी उतारने वाले लोग और कंपनी, ये तीन के तीनों के अपने अपना अलग अलग कंपनी एसोसिएट क्या कहता है, आपको जहाँ मिल रहा है ले लीजिए, नहीं तो कंपनी भाग गई है और आपको अगर नहीं लेना चाहिए। यानी सुशील कभी नहीं कहता था कि कंपनी के प्रयासों से, कंपनी का सेफ्टी इंतजाम मेहनत करके आपकी लाइबिलिटी उतारने को कर रहा है, आप सहयोग दीजिए। अगर आप लाइबिलिटी नहीं उतार सकते, कोई भी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हम गारंटी देते हैं, ये कोई नहीं कहता। तो हमने हजारों प्लॉट की रजिस्ट्री करा डाली, वो क्षेत्र से कोई लाभ मिला नहीं, लेकिन अब क्या चल रहा है, अब हम उन चीजों पर जहाँ पैसे का लेनी देनी ना हो, जैसे आपकी रजिस्ट्री हो गई है, कब्जा लीजिए, आपको एक रुपया नहीं दे रहा है, अपना कब्जा लीजिए, अपनी बाउंड्री बनवाइए, बाउंड्री बनाने का कब्जा लीजिए, जो जेन्युइन है, नहीं करना है किसी और से करा लीजिए, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं, लेकिन आप अपना पोजिशन ले, जब ये होगा तो कस्टमर का माहौल बदलेगा। तीन चीज कोर्ट के अंदर जो कस्टमर गए हुए हैं, अधिकतर कस्टमर को ये तक नहीं पता था कि कंपनी कोर्ट में भी बात कह रही, भाई पैसा देना चाहते हैं, हम कब्जा देना चाहते हैं, हम रजिस्ट्री करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे क्या, आप मुझे बताइए, आप सारे लोगों से 68,000 करोड़ रुपए लेकर कोई शख्स भागेगा लंदन में, वो अपना 200-250 फ्लैट टाइप पूरा पूरा टावर खरीद लेगा, करोड़ों रुपए हीरे कारोबार लगाया होगा, तो यार वो आपके सामने बीच में आकर जूम मीटिंग क्यों करेगा? जवाब दीजिए, जिस बेवकूफ गधे इंसान ने आरोप लगाया, उस गधे बेवकूफ इंसान से पूछो, कभी 68,000 करोड़ रुपए जो लेके जाएगा वो तेरी बकवास सुनेगा? अरे मेरा 68,000 करोड़ नहीं, 68,00,000 करोड़ रुपए वही पड़ा यार आप लोग के अंदर। अब जब हम पैसा देने की बात कर रहे हैं तो लोग इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, लोग इस तरह, मैं आपसे मीटिंग करने के लिए आ रहा हूँ तो दुनिया भर के इकड़म लगाकर कोशिश की जाती कि मीटिंग रोकी जाए। इससे पहले कोर्ट के अंदर यहां तक डाला गया कि जूम मीटिंग के जरिए, अपने चैनल के जरिए ये पैसे वहां से लेकर के पैसा दुबई ले जा रहे हैं। अरे भाई 68,000 करोड़ तुम्हारी तरफ से तुम्हारे के अनुसार आप चले आएंगे, उस करोड़ दो करोड़ के लिए मैं क्यों जूम मीटिंग करूंगा? 68,000 करोड़ बकौल तुम्हारे अगर हम लेकर भाग गए, और बकौल तुम्हारे हमारा पासपोर्ट भी नकली है, हम तो छिपना चाहेंगे ना, जूम मीटिंग करके 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 में धक्का क्यों करवाएंगे? ये बुद्धि किसी कस्टमर के दिमाग में नहीं आई, ये बुद्धि किसी से दिमाग में, ये रिश्ता जाया कि ये 68,000 करोड़ का आरोप किसे लगाया गया? इसे लगाया गया क्योंकि इस आदमी को दूर रखो, या आपकी बात करेगा तो सही बात करेगा, इसे दूर रख करके
जिन साइटों पर आप लोगों को कब्जा देने की मैं बात कर रहा हूँ, उन साइटों पर अपनी हित दृष्टि बनाकर ये लोग जा करके लैंड मैनेजर, किसान, प्रेसिडेंट सबको मिलवाए। यहां तक इन्होंने किया, मेरे पास सबूत के तौर पर है, सबूत है, रिकॉर्डिंग है कि पुलिस अधिकारियों को ले जाकर धमकी दिलवाए कि तुम आकर हमसे मिलो, हम जिन्हें बोले उनकी रजिस्ट्री नहीं करो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर देंगे। यहां तक का सबूत है कि न जाने कितने लोगों के नाम अज्ञात में डाला गया है, अगर तुम उनका कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा नाम डाल दिया जाएगा। क्या है ये सब? ब्लैकमेलिंग, इसे ब्लैकमेलिंग कहा जाता है। और हिंदुस्तान में ऐसे लाखों केस कोर्ट में साबित हुए कि जहां पर ऐसी कंपनियां जो चुकी नहीं, उन्हें इस तरह के लुटेरे लोगों ने मिलकर के ब्लैकमेलिंग के चक्के लिए कस्टमर का एक पूरा हुजूम बना लिया, हुजूम बना करके ब्लैकमेल करने के लिए कस्टमर के उसमें पावर पे कंपनी को ब्लैकमेल किया। अगर हम 68,000 करोड़ लेके गए होते तो इनकी औकात कितनी थी? 2, 4, 5, 10, 20, 25 करोड़ की। ये जो गुत्ता दलाल वकील उस दिन काम पर कर रहा था, 2021 में इस दलाल को मैंने एक ऑफर किया था। क्यों ऑफर किया? तभी मुझसे बात करता था तो मेरे टुकड़ों को पलता था, तब ये भाई भाई कहा करता था, ये तब ये हमसे 10, 20, 25 हजार रुपए के लिए मैसेज आता था। ये दलाल वकील, इसको मैंने ये कहा था कि देखो तुम्हारे पास काफी कस्टमर आते हैं, इन सब की जो प्रॉब्लम है उसकी एक लिस्ट बना लो, हम मिल करके इन कस्टमर की लायबिलिटी उतार सकते हैं और कोर्ट ले जा करके बात कह सकते हैं कि लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं, इनका मेडिएशन करा दो। ये बात मैंने उससे कही तो उस बंदे ने क्या मांग करी कि भाई ठीक है, सही है, लेकिन प्रत्येक कस्टमर से हमको 1,00,000 रुपए चाहिए। ये दलाल 1,00,000 रुपए प्रत्येक कस्टमर से मांग रहा था, 300 कस्टमर पहले और 1,00,000 रुपए, 3 करोड़ रुपए किसकी औकात थी? एक एक कस्टमर। और उस समय अगर मैंने हाँ कर दिया होता तो जो एलोपमेंट डेवलपमेंट चार्ज कहानी ना चली होती, 5-4 साल और 3 करोड़ रुपए ही आदमी उस समय दलाली मांग रहा था आपके सेटलमेंट। जब मैंने वहां मना किया कि नहीं ये गलत है, तब उस दलाल ने ये दुकान खोली, तब उस दलाल ने आप लोगों को बहकाने की, और उसने अपनी, और क्यों हम उस दलाल को क्यों गाली दें, उसे क्यों गाली दें? वो है कौन हमारा तुम्हारा? हमें शिकायत आप लोगों से है कि आप क्यों उस दल्ले के पास थे? आपको क्या नहीं दिखता, आप लोग नहीं समझाता? चलिए खैर, अब हम बात करते हैं पजेशन देने के बाद 27 तारीख को जो डेट है, उस डेट में हम निवेदन करेंगे उन सारे कस्टमर्स को, जो कस्टमर कंपनी के ऊपर चाहे केस दिए हो चाहे रिट में गए हो, अगर उनको लगता है कि कंपनी ही पैसा दे सकती है, कंपनी आएगी तो ही पैसा दिया जाएगा, तो मेरा निवेदन है कि अपने वकीलों से आप अनुरोध करें कि कंपनी ने अगर वादा किया है पैसा चुकाने का, कंपनी ने वादा किया रास्ता मांगने तो रास्ता दे। हम ज्यादा अच्छे तरीके से आपस में समझौता करके लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं। इस समझौते की लायबिलिटी खत्म करने से ऐसे कई लोगों का कल्याण हो जाएगा जिनका पैसा स्प्लिट के भाग गया, अन्यथा जांच हो गई है, कोई भी एक व्यक्ति बता दे हमको कि कंपनी के ऊपर इस जांच में कोई भी एक आरोप सिद्ध हुआ, कोई व्यक्ति बता दे, बिल्कुल ही बता पाएंगे। और जो छोटे मोटे होंगे भी ना, तो ये कंपाउंडिंग ऑफेंस हम मानेंगे इस चीज को, भाई ठीक है हमसे अपराध हुआ, बताइए सजा क्या, जुर्माना क्या। आज की तारीख में बहुत से लोग ये कहते हैं, मैं इस बात को आप लोग कहना चाहूंगा, ध्यान समझिएगा, बहुत से लोग, बहुत से कस्टमर जिन्होंने पैसा एसोसिएट को दिया और एसोसिएट पैसा खा गया, उसने उसको रसीद दी और चेक दी, और वो ये कहते हैं कि अगर हमने पैसा अकाउंट में न जमा किया होता तो कंपनी चेक कहां से देती, चलिए मंजूर, ये भी मंजूर, वो तो जब हम जांच कराएंगे निकल आएगा। लेकिन अगर कंपनी ने चेक दिया, चेक बाउंस कर गई, आपने एफआईआर किया, उस एफआईआर की वजह से गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी में कितने साल की सजा है, उस गिरफ्तारी में कितने साल की सजा है? और अगर सजा है 3 साल, 5 साल, 7 साल जो भी सजा है, तो जमानत भी है। चलिए कंपनी के डायरेक्टर जिन्होंने चेक पे साइन किया है वो इस समय जेल में, अगर वो अपनी सजा काट के बाहर आ गए
तो क्या आप उस पे क्लेम ले पाएंगे भाई? उसमें सजा काट के खत्म बात। आपका आरोप है कि हम 68,000 करोड़ लेके गए हैं, हम आपकी पहुंच से बहुत दूर बैठे हुए हैं, हमें कौन सा खतरा कौन सा डर है? कंपनी के डायरेक्टर या जितने एसोसिएट अपनी सजा काट ले, चल भाई सब तुम्हें 68,000 करोड़ में से कुछ कुछ देने के वादा कर, घर में लेके गया तो कितने साल की सजा है? और सजा काट के अगर वो बाहर निकल आए, सपोज करो कल साबित ही हो जाता है कि जैसा भाई चेक आपकी है और ये चेक आपने दिया है और आपको देना पड़ेगा, उन्होंने कहा आप नहीं दे पाएंगे, तो अगर चेक बाउंसिंग की सजा जो है अगर उतनी सजा काट के बाहर आ जाते हैं वो तब क्या करेंगे? है कोई जवाब किसी के पास? अब आ रहा है बोल भाई हम आप ट्रेन में सफर करें बगैर टिकट तो वहां क्या है? जुर्माना या 6 महीने की सजा। आपको अगर पुलिस जुर्माना जेल में डाल दे, पैसा नहीं आप पास में, आप जेल चले गए और बेल करा के बाहर आ गए, क्या आप जुर्माना भी भरेंगे क्या उसका? या 6 माह काट के जुर्माना भरेंगे उसके बाद? नहीं भरेंगे।